CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु ये गीतात्मक कार्यक्रम पढ़ लिख लिख पढ़। पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़कर आगे आगे बढ़। पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़कर आगे आगे बढ़। मबदली गा पागा मारे साफा घर बाहर के रोज के खर्चे कानूनी कागज बैंक के पर्चे पढ़ भी पाऊँ समझ भी पाऊँ गुणा जमा सब कुछ कर पाऊँ। हर खबर को मैं भी जानू देश विदेश को भी पहचानू। हर खबर को मैं भी जानू देश विदेश को भी पहचानू देश विदेश को भी पहचानू। क्या मेरे अधिकार ये जानू मैं दुनिया के तर्क भी जानू। जारी पढ़ 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 लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़कर आगे आगे बढ़। पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़कर आगे आगे बढ़। मबदली गा पागा मारे साफा। जी हाँ साथियों, पढ़ाई लिखाई के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। जब चाहें और जब तक चाहें पढ़ाई की जा सकती है। अब इंटरनेट का जमाना है, इसीलिए पढ़ाई अब कॉपी पुस्तकों तक ही सीमित नहीं है। अब तो मोबाइल फोन और कंप्यूटर से भी ऑनलाइन पढ़ाई की जा सकती है और शिक्षा संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। और हाँ, अपनी पसंद के समय पर जब चाहें तब। लेकिन हाँ, इंटरनेट पर मनोरंजन या शिक्षा सामग्री की खोज करते समय सावधान रहना भी तो जरूरी है ना। ऑनलाइन पढ़ाई हो या शैक्षिक खोज, इंटरनेट सर्च के अंतर्गत अजनबी और अनजान साइट पर क्लिक करने से बचें। ये मानसिक, वित्तीय और कानूनी दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। तो साथियों, अब बिना स्कूल जाए भी पढ़ाई संभव है फोन के द्वारा। बस जरूरत है थोड़ी सावधानी की। फोन से पढ़ाई लिखाई करते समय या शैक्षिक खोज करते समय आप चुनी हुई और जानकार साइट पर ही जाएं। लेकिन यदि कोई अनजान साइट खुल जाए तो क्या करें? इंटरनेट पर जब भी जाओ इतना रखना ध्यान, क्लिक नहीं वो साइट करना जिनसे हो अनजान। कभी कभी इनसे हो सकता बहुत बड़ा नुकसान। जागरूक को साइबर हमले से बचना आसान, जागरूक को साइबर हमले से बचना आसान। बिना सोचे समझे असावधानी से कहीं भी क्लिक न करें। याद रखें, URL में अल्फाबेट S सिक्योरिटी यानी सुरक्षित होने का प्रतीक है। इंटरनेट पर ऑनलाइन काम करना हो तो सुरक्षित साइट ही खोलें और दुर्घटना से बचें। जागरूक बनिए, सुरक्षित रहिए। हाँ तो साथियों, अनजान साइट को क्लिक न करें। घर पर ही अपनी पढ़ाई जारी रखें।
स्कूल की सीमा के बाहर भी पढ़ाई संभव है। किसी भी आयु में पढ़ाई संभव है, इसीलिए पढ़ाई जारी रखें और न्यूनतम पढ़ाई की परिधि को पार करते हुए पढ़ते जाएं और आगे आगे बहुत आगे बढ़ते जाएं। पढ़ लिख लिख पढ़ मिलकर चल पढ़ पढ़ कर आगे आगे बढ़ मा बदनी गा पा गा मारे सापा। पढ़ लिख लिख पढ़। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेश कुमार निमेश, संगीतकार राकेश पंडित, गायन स्वर नेहा खंक्रियाल और साथी, वाचन स्वर बावला कोचर और अजीत होरो, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वन्यांकन मयंक कुमार और शानू मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता और मीनाक्षी कुकरेती, आलेख ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। मा बदनी गा पा गा मारे सा पा।